हेलो एवरीवन, आज हम क्लास सिक्स का संस्कृत के सिक्स चैप्टर विच इज समुद्र तट है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है रुचिरा भाग एक का चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? समुद्र तट है। समुद्र तट है मतलब समुद्र का किनारा है। और ये क्या है? षष्ठ पाठ है। षष्ठ पाठ है मतलब सिक्स्थ पाठ। तो हम इस जो पाठ होगा इस पाठ के अंदर तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जो तृतीय विभक्ति होते हैं उसके लिए जहां पर हम हिंदी में के द्वारा या से का प्रयोग करते हैं उसमें क्या आती है? तृतीय विभक्ति। और जहां पर के लिए का प्रयोग होता है वो कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। अब जब इस पाठ में आएगी तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो जैसे सबसे पहला पैराग्राफ है, दिस वन इज फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर विच इज एश है समुद्र तट है। एश है मतलब यह है, समुद्र है तट है, समुद्र का किनारा है, ये है समुद्र का किनारा है। अत्र, अत्र मतलब यहाँ, जना मतलब लोग, पर्यटनाए मतलब पर्यटन के लिए या घूमने के लिए। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? के लिए आ गया तो वो कौन सी होगी? चतुर्थी विभक्ति। इट मीन्स यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो रही है? पर्यटनाय में चतुर्थी विभक्ति। आगछती, आते हैं। अत्र जना पर्यटनाए आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन, उनमें से कुछ। तरंगे क्रीडन्ति, तरंगे मतलब लहरों से खेलते हैं। अब लहरों से आ गया तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आया? तृतीय विभक्ति। उनमें से कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी, केचन मतलब कुछ लोग, चयने का भी और कुछ लोग, नौका भी मतलब नौका के द्वारा जल विहारम, जल विहार कुर्वन्ति करते हैं। और उनमें से कुछ लोग नौका से जल विहार भी करते हैं। तेषु केचन, तेषु मतलब उनमें से कुछ। कंदुकेन क्रीडन्ति, कंदुकेन मतलब गेंद से। अब यहाँ पर क्या आया? से। तो से क्या होगी? तृतीय विभक्ति। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तेषु केचन, उनमें से कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिका मतलब लड़कियां, बालिका और लड़के च, बालिका मतलब लड़कियां और लड़के। बालू का भी मतलब रेत से, मतलब यहाँ रेत से। बालुका ग्रहम मतलब रेत का घर रचंती बनाते हैं। क्या होगा इसका अर्थ? लड़कियां और लड़के रेत से रेत का घर बनाते हैं। अब रेत से आ गया तो कौन सी विभक्ति हुई यहाँ पर? तृतीय विभक्ति। ठीक है, मध्य मध्य बीच बीच में। तरंगा मतलब लहरें, बालुका ग्रहम रेत के घर को, प्रवायंती मतलब बहा ले जाती है। बीच बीच में लहरें रेत के घर को बहाकर ले जाती हैं। एषा क्रीडा, यह खेल, प्रचलति एव, चलता ही रहता है। एव का मतलब ही, ऐसा खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटा, समुद्र तट पर या समुद्र के किनारे पर न केवल पर्यटन स्थानानी, मतलब क्या है? समुद्र के किनारे पर ना केवल पर्यटन स्थल है, उससे आगे क्या बताया? अत्र मस्ते है जीविने है अपि सब जीविकाम चलियंती। अत्र मतलब यहाँ, मस्ते जीविने है मतलब मछुआरों, अपि मतलब भी, सब मतलब अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये क्या हुआ? देखो इसमें हमारे क्या बताया गया है, जो हमारे भारत देश में बहुत से समुद्र तट हैं और समुद्र तट में क्या क्या होता है, लोग पर्यटन के लिए भी जाते हैं, कुछ अपनी आजीविका को भी चलाते हैं। तो ये क्या हुआ देखिए, अब ये पैराग्राफ अच्छे से एक बार और सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ इज दिस वन। अस्माकम देशे, अस्माकम मतलब हमारे देश, बहवे बहुत से समुद्र तटा संति, से आ गया तो कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। बहुत से समुद्र के किनारे हैं, हमारे देश में बहुत से समुद्र के किनारे हैं। एतेषु, इनमें से, मुंबई,
गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा। एतेषु मतलब इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम को विशाखापट्टनम भी बोलते हैं, तो विशाखापट्टनम तथा पुरी का तट अति मतलब बहुत, प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध है। इनमें से ये सब जो तटों के नाम दिए हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है, गोवा का तट या गोवा का किनारा विदेशी पर्यटन पर्यटक के भय, विदेशी मतलब विदेशी पर्यटकों को समाधिकम सबसे अधिक रोचते पसंद है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, गोवा का तट जो है विदेशी पर्यटक जो आते हैं उनको सबसे अधिक पसंद है, रोचते मतलब पसंद है। विशाखापट्टनम तट है, विशाखापट्टनम जो किनारा है तट का किनारा क्या है, वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है, विदेश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर क्या आया, व्यापाराय के लिए आ गई, तो कौन सी विभक्ति आई, चतुर्थी विभक्ति। कोची तट है, कोची का तट नारिकेल फलेभ्य है, नारिकेल फलेभ्य मतलब नारियल के फल के लिए क्या है, गायते, गायते मतलब जाना जाता है, के लिए आया, तो यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति यूज हुई, फोर्थ विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो विशाखापट्टनम तट क्या होगा, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, और जो कोची का तट है वो नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू तट पर सर्वे, सर्वे मतलब सभी जना मतलब लोग, सवेरम, सवेरम मतलब अपनी इच्छा अनुसार विहरंती विहार करते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी जन मतलब लोग अपनी इच्छा अनुसार विहार करते हैं, विहार मतलब घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का मेरीना तट, जो मेरीना तट है देशस्य, देश के सभी तटों में, सागर देशस्य सागर तटेषु, सभी देश के सभी तटों में दीर्घतम है, लंबा है। जो चेन्नई का तट है, चेन्नई का कौन सा, मेरीना तट जो है वो देश के सभी सागर के तटों में सबसे लंबा है। एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, भारतस्य त्रिशु दिशासु, मतलब क्या होगा, भारतस्य भारत की, त्रिशु मतलब तीनों दिशाओं में, दिशासु मतलब दिशाओं में, त्रिशु तीनों दिशाओं में समुद्र तटा संति, समुद्र के तट हैं, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं। अस्मात इसी कारण ही, ए मतलब ही, इसी कारण ही भारत देश है प्रायद्वीप है, भारत देश को प्रायद्वीप इति मतलब भी कह कथ्यते कहा जाता है, इसलिए भारत देश को क्या, प्रायद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तीनों ओर क्या है, समुद्र के तट हैं। पूर्व दिशायां, पूर्व दिशा में क्या है, बंगोप सागर है, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, मतलब हिंद महासागर। पश्चिम दिशायां च, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है अस्ति, अरब सागर है। इसमें क्या बताया है, देखो, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां, एतेषां मतलब क्या हो गया, यहाँ एतेषां, सॉरी, हिंद महासागर है। एतेषां त्रयाणां, इन तीनों में, एतेषां मतलब इन, त्रयाणां मतलब तीनों में, अपि भी सागराम संगम कन्याकुमारी तटे भवति, और इन तीनों जो सागर के ये जो है हमारे सागर हैं, वो भी उनका संगम कहाँ पर होता है, कन्याकुमारी के तट पर होता है। इन तीनों का भी सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां, यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय, चंद्रोदय सूर्यास्त, और चय लगाए तो और, चंद्रोदय और सूर्यास्त, सूर्यास्त युगपदेव मतलब एक साथ ही दृष्टुम
देखा शक्यते जा सकता है। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपदेव मतलब एक साथ ही देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसका हमने अच्छे से रीड कर लिया और इसमें हमने क्या तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो एक बार और रिवाइज करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसकी बुक एक्सरसाइज।